भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जींद में होने वाली रैली को लेकर जाट समुदाय ने विरोध करने के फैसले को वापस ले लिया हो, लेकिन हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो अभी भी अपने ऐलान पर कायम है। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का कहना है कि वो अमित शाह का विरोध नहीं स्वागत करेंगे, लेकिन वो स्वागत काले झंडे दिखाकर करेंगे। काले झंडे भी हैं, काले गुब्बारे भी हैं, तख्तियां भी हैं, और अगर वो सड़क पर उतरेंगे मोटरसाइकिल लेकर तो पूरी सड़क पर उनको एक 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 मुद्दा जो आज हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश की महिलाएं झेल रही हैं पिछले 3.5 वर्षों से, उन सब के प्रति उनकी पिक्चर का ट्रेलर हम दिखाने का काम करें। देखिए, सरकार ने एक वादा किया था और आज नहीं, एक वर्ष से पूर्व वादा हुआ था, मगर अब तक उन पर कोई कदम नहीं उठाए गए। दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जितनी फोर्स अमित शाह के स्वागत में बुलाई जा रही है, अगर इतना प्रयास SYL नहर के निर्माण के लिए किया जाता तो आज हरियाणा का किसान खुशहाल होता। तो ये मानता खट्टर साहब जितनी पैरामिलिट्री अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बुला रहे, अगर इतना प्रयास अमित शाह जी के स्वागत में बुलाने की बजाय सतलुज यमुना लिंक के निर्माण के लिए अगर पंजाब की तरफ चलाने का काम करते तो शायद हरियाणा का किसान भी आज खुशहाल होता। उन्होंने रैली पर बोलते हुए कहा कि 6 करोड़ का आर्थिक बोझ सरकार हरियाणा पर डालकर अपनी पब्लिसिटी कर रही है, मगर ये मंशा साबित होगी कि 6 करोड़ का आर्थिक बोझ और हरियाणा प्रदेश के एक्सचेकर के ऊपर डालने का मुख्य मकसद केवल मात्र अपनी पब्लिसिटी है, और आज ये सरकार अपनी पब्लिसिटी के लिए किस हद तक भी गिर सकती है। बिल्कुल रहेगा, और हमारी युवा इकाई पूरे तौर पर मैं विरोध नहीं करूँगा, जो हालात आज हरियाणा के हैं उनको दिखाने के लिए उनका भव्य स्वागत जरूर करें। जाट समुदाय के साथ के फैसले पर दुष्यंत ने कहा कि ये सब अमित शाह की रैली को लेकर किया गया है। और कल रात को हड़बड़ाहट में केवल मात्र अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाने के लिए कदम उठाती है सरकार, तो मंशा साफ है, इस सरकार को अगर कोई काम इस सरकार से लेना है तो पहले चेताना पड़ेगा, डराना पड़ेगा, और फिर जाकर सरकार को कदम उठाएगी।